ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हम सबकी सूक्ष्म तपस्या हमें अपने महान लक्ष्य की ओर ले चल रही है। हमारा महान लक्ष्य स्वयं को परफेक्ट करना है, हर चीज में परफेक्ट। इसके लिए सबसे सुंदर और बहुत इम्पोर्टेंट धारणा है संकल्पों को महान बनाना। हमारी संकल्प शक्ति, हमारे संकल्पों का खजाना हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करता है। ये संकल्प ही तो हैं जो या तो सुख देते हैं या दुख, या किसी को निराश करते हैं या उमंग उत्साह में रखते हैं, या किसी को बिल्कुल उदास कर देते हैं या लक्ष्य के प्रति सचेत रखते हैं। ये हमारे संकल्प ही तो हैं सब कुछ। मनुष्य को अगर निगेटिव सोचने की आदत पड़ जाती है तो वो हर कदम पर हार का सामना करता है, निराश होता है, निरुत्साहित होता है। और यदि पॉजिटिव सोचने की आदत हो जाए तो उसे हर कदम पर अपना कल्याण ही दिखाई देता है। उसे याद रहता है आज नहीं तो कल हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे, हमारे साथ तो स्वयं भगवान है। तो हम अपने संकल्पों को चेक करते चले हर मिनट में, कितने संकल्प हमारे सफल हुए और कितने असफल, कितने विश्व कल्याण के लिए थे और कितने दूसरों के लिए अशुभ भावनाओं से भरे हुए थे। हम तो विश्व कल्याणकारी हैं। हमारा एक एक संकल्प इस संसार के परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ध्यान दें, एक एक संकल्प। और जो श्रेष्ठ योगी हैं, जिन्होंने अपने चित्त को शांत कर लिया है, उनसे तो बहुत पावरफुल और पवित्र वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, जो विश्व कल्याण करते हैं, जो प्रकृति को बदलते हैं, जो सारे वायुमंडल को बदलते हैं और अनेक आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों की प्रेरणा भरते हैं। हम अपनी संकल्प शक्ति को निरंतर बढ़ाते चलें। जिसके मन में जितने कम संकल्प उठेंगे और जो योग युक्त होंगे, उन्हें संकल्पों की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये सिद्धि सबसे बड़ी है, अर्थात हमारा हर संकल्प सफल होगा, हमारा हर संकल्प फलीभूत होगा, हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम सहज भाव से अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे। तो आज हम जरा बीच बीच में रुककर अपने संकल्पों पर ध्यान देंगे, हम क्या सोच रहे हैं। और आपको हर बार उत्तर मिलेगा कि हम वो सोच रहे हैं जो हमें नहीं सोचना चाहिए, हम वो सोच रहे हैं जो व्यर्थ है, जो बिल्कुल अननेसेसरी है। तो अटेंशन देंगे कि उस समय श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करें। और वे श्रेष्ठ संकल्प आते हैं स्वमान से। हमारा श्रेष्ठ स्वमान हमारे संकल्पों को महान बना देता है। तो आज सारा दिन हम साइलेंस पावर स्वयं में जमा करेंगे और याद रखेंगे जिन्होंने ये साइलेंस पावर स्वयं में जमा की होगी, वही एक सेकंड में अपने संकल्पों को फुल स्टॉप लगा सकेंगे। और ये भी ध्यान रहे, जिनके पास फुल स्टॉक होगा शक्तियों का, श्रेष्ठ संकल्पों का, संपूर्ण ज्ञान का, वही फुल स्टॉप लगा सकेंगे। और ये शक्ति भविष्य में बहुत ज्यादा हमें काम आएगी, जब प्रकृति तूफान मचाएगी, जब चारों ओर हाहाकार हो जाएगा, तब हम अपनी संकल्प शक्ति से बहुत कुछ स्टॉप कर सकेंगे। तो आइए आज सारा दिन संकल्प को स्टॉप करने की प्रैक्टिस करें और विजुअलाइज करें स्वयं को चमकती हुई मणि, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। और फिर विजुअलाइज करें
ज्ञान सूर्य से बाबा को अपने सम्मुख फिर विजुअलाइज करें स्वयं को आत्मा और फिर बाबा को, ये क्रम हर घंटे में यदि 10 बार कर लें जस्ट 1-2 मिनट में भी, तो एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी और योग करने का परम आनंद प्राप्त होगा। ओम शांति।